हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSE स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि स्टार्ट कार्ड का फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट कार्ड, अब जब भी एडनॉक में काम करते हो या फिर किसी साइट पर काम करते हो तो वहां पर एक स्टार्ट कार्ड होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये स्टार्ट कार्ड यानी कि क्या होता है, यानी कि ये जो स्टार्ट है इसका भी कुछ फुल फॉर्म होता होगा, और होता होगा तो उसका क्या मीनिंग है। तो आज इस वीडियो में हम वही जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट कार्ड जब हमें इसे स्प्लिट करते हैं तो इस प्रकार होता है STARRT। इसमें S स्टैंड फॉर होता है सेफ्टी, T स्टैंड फॉर होता है टास्क, A स्टैंड फॉर होता है एनालिसिस, R स्टैंड फॉर होता है रिस्क, और दूसरा जो R है उसका स्टैंड फॉर होता है रिडक्शन, और लास्ट में जो T है उसका स्टैंड फॉर होता है टॉक। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी टास्क है उसे सेफली आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। और जब टास्क को आप एनालिसिस करोगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें रिस्क क्या है, और फिर उस रिस्क को आपको रिडक्शन करना है। जब आप उस रिस्क को रिडक्शन करेंगे यानी कि कम करेंगे, उसी बारे में आपको बताना है। इसे ही कहते हैं स्टार्ट कार्ड। यानी कि कोई भी टास्क को सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको एनालिसिस करना है, एनालिसिस करने के बाद उसमें जो भी हजार्ड है यानी कि रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हमें रिडक्शन करना है, कम करना है। इसी चीज़ के बारे में जो बात की जाती है उसे स्टार्ट कार्ड कहते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि स्टार्ट कार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।